सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम डाओ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्चुअली डाओ है क्या। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद नो सेंट्रल लीडरशिप एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय रूल्स इनकोडेड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये लाइन बोलना क्या चाह रही है। सबसे पहले देयर इज नो सेंट्रल लीडरशिप, मतलब कि नो ओनर, इसका कोई ओनर नहीं होगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रूल्स इनकोडेड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस चीज का ये मतलब है, रिप्रेजेंटेड बाय रूल्स इनकोडेड, मतलब कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क करते हैं। डाओ इटसेल्फ इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, राइट, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। मतलब जितने भी लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस का मतलब कि ये किसी कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है और कोई इसका ओनर नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस और डाओ इज द करेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है डाओ की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं और एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि वोटिंग, सबसे बड़ी एग्जांपल देख लीजिए वोटिंग की। अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे मतलब जो कि इन्फ्लुएंस ना हो पाए किसी भी इंसान से, जैसे कि अभी भी हमारे पास इलेक्शन इलेक्शन कमीशन है, राइट, इलेक्शन कमीशन है, बट ये हम कह सकते हैं कि कभी कभी वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करती है। इस चीज़ को हटाने के लिए, बायसनेस हटाने के लिए, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा एक कोड लिखें जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग हो, मतलब वो सारे जितने भी हम वोट देते हैं उसको काउंट करें, मतलब रिजल्ट अनाउंस करें, सारी चीज़ें करें, ताकि वो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो और लोग उसको छेड़छाड़ ना कर पाएं। इसीलिए डाओ इज द नीड ऑफ द आर, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की, इस तरह की टेक्नोलॉजी की, ठीक है। डाओ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एंड प्रोग्राम रूल्स आर मेंटेन ऑन अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी नोट्स होते हैं एक ब्लॉकचेन में, जितने भी नोट्स होते हैं सबके पास ट्रांजेक्शन का डेटा और जो भी प्रोग्राम के रूल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं और हमेशा ही वहाँ पे पड़े रहते हैं ब्लॉकचेन पे। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल ऑपरेशंस आर ऑटोमेटेड अग्रीइंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल असाइंड इन द कोड विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। बिना किसी इंसान के इन्वॉल्वमेंट के ही जो भी सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद ही कर लेता है, मतलब वो उसमें लिखी चीज़ सारी चीज़ें लिखी होती है, मतलब रूल्स लिखे होते हैं, प्रिंसिपल्स लिखे होते, सब कुछ लिखा होता है, और जब वो चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। अब इट इज स्केलेबल एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब वो स्केलेबल भी है और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब खुद ही सब कुछ करता है, हमें कुछ करने की नीड नहीं होती, बस हमें कोड लिखना होता है, मतलब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करना होता है। हियर डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय प्रपोजल्स एंड वोटिंग टू इंश्योर दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वॉइस। अब क्योंकि इसका कोई हेड नहीं है तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन यहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से होती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है, और सारे जो प्रपोजल्स हैं या फिर जो भी डिसीजन हैं वो सारे लोगों की सहमति से होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं डिफरेंस डाओ के और हमारे जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डाओ है इज यूजुअली फ्लैट एंड फुली डेमोक्रेटिक, राइट। ये फ्लैट और फुली डेमोक्रेटिक है। फ्लैट का मतलब है कि इसमें कोई हायरार्की नहीं है, मतलब कि ये ओनर फिर उसके नीचे कुछ सब ओनर्स, उसके नीचे वर्कर्स, ऐसा कुछ हायरार्की है ही नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि हमारे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक हायरार्की होती है, एक ओनर होता है, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज होती है। और ये फुली डेमोक्रेटिकाइज्ड फुली डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हर इंसान को वोट करने का या फिर अपने ओपिनियंस रखने का मौका मिलता है। यहाँ पे वोटिंग रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स फॉर एनी चेंज टू बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे वोटिंग की जरूरत पड़ती है कोई भी चेंज लाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में। और अब हम ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि मतलब जो हेड होता है वही मतलब डिसीजन ले रहा है, कहीं कहीं वोटिंग मतलब पार्शियल वोटिंग चलती है, मतलब डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। वोटिंग स्टैलीड एंड आउटकम इम्प्लीमेंटेड आर ऑटोमेटिकली डन विदाउट द
ट्रस्ट इंटरमीडियरी। अब क्या होता है वहां पे, जो भी वोट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी आउटकम्स होते हैं वो सारे अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाते हैं बिना किसी बीच वाले के, मतलब बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, या फिर किसी के बीच में आए हुए। जबकि इसमें ये होता है कि वोटिंग अलाउ तो होती है, बट वोटिंग टैली इंटरनली की जाती है और सारे जो वोटिंग प्रोसीजर होता है वो मैनुअली किया जाता है। तो इसमें चांसेस है एरर होने के, इसमें चांसेस है बायसनेस होने के, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर्विसेज ऑफर्ड आर हैंडल ऑटोमेटिकली इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सर्विसेज है वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको हैंडल कर रहे इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर, जबकि यहाँ पे हमेशा एक ह्यूमन हैंडलिंग या फिर हमेशा एक सेंट्रली कंट्रोल ऑटोमेटेड सिस्टम हमें चाहिए होता है। जो कि हमेशा अगर कोई सेंट्रली ऑटोमेटेड सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, वो दैट इज प्रोन टू मैनिपुलेशन, उसको मैनिपुलेट कर सकता है जो उसका एडमिन है या ओनर है या फिर कोई भी दूसरा बंदा, राइट। ऑल एक्टिविटीज आर ट्रांसपेरेंट एंड फुली पब्लिक। जितनी भी एक्टिविटीज डाओ में होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि हर कोई उसको देख सकता है, और फुली पब्लिक मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिक से छिपाया नहीं जाता है, सारे के सारे मतलब इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे दिया जाता है। अब आप ही सोचो, अगर डाओ, अगर हमारी गवर्नमेंट डाओ पे वर्क करे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ हमारे फंड जा रहे हैं, क्या चीज़ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, किस चीज़ पे कम खर्च हो रहा है, तो पब्लिक डिसाइड कर पाएगी बेटर, राइट। दैट इज द पावर ऑफ डाओ। अब हम ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो एक्टिविटीज टिपिकली प्राइवेट एंड लिमिटेड टू द पब्लिक। अब मतलब बहुत लिमिटेड, अगर आप अपनी गवर्नमेंट के लिए की ही बात कर लो तो मतलब आपको उतना ही पता चलता है, राइट। जितना गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है, फिर मीडिया आपको दिखाना चाहती है, आपके सामने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो प्राइवेट रखी जाती है, राइट। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं डाओ और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम डाओ के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डाओ। तो डाओ हमारा इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इथेरियम के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही डाओ भी लॉन्च हुए थे। अब उसके साथ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे पास दो नए इन्वेंशन आए, ETC और ETH। ETC है हमारा इथेरियम क्लासिक और ETH है हमारा इथेरियम जो कि हम करेंटली यूज कर रहे हैं।